हेलो फ्रेंड, अब आप घर बैठे टू जेड कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है पावर पॉइंट में हम लोग फोटो एल्बम कैसे क्रिएट करके उसमें हम लोग म्यूजिक सेट कैसे करते हैं। तो सिंपली है फ्रेंड, चलिए। तो सबसे पहले आप जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जहाँ फोटो एल्बम तैयार करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप फोटो को क्या करेंगे, कलेक्शन कर ले, एक फोल्डर क्रिएट कर ले फ्रेंड। और जो भी फोटो आपको फोटो एल्बम में सेट करना हो, सिंपली फ्रेंड आप उसमें से फ़ोटो कलेक्शन कर ले। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये हमारा फोल्डर बना हुआ है फ़ोटो का, और इसमें हमने एक फ़ोटो, इसमें जितने भी सारे फ़ोटो हमको एनिमेशन सेट करने हो उसको हमने पहले यहाँ से स्टोर कर रखा है। और उसके बाद जो है एक जो म्यूजिक हमको सेट करना है, सिंपली वो म्यूजिक आप एक अलग से फोल्डर बना के क्रिएट कर ले। सो क्लियर फ्रेंड। चलिए अब आपको क्या करना है, सिंपली आप पावर पॉइंट ऑन कर लें। चलिए पावर पॉइंट ऑन हो रहा है। आप जैसे ही पावर पॉइंट ऑन होगा फ्रेंड, यहाँ पे आपके दिए हुए हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पर आप डबल क्लिक कर ले। चलिए इसको आप डिलीट कर ले फ्रेंड, ऐड टाइटल और सब टाइटल को डिलीट कर ले। उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद ये है आपका फोटो एल्बम, फोटो एल्बम में चले जाएं फ्रेंड। और यहाँ पे फोटो एल्बम का डायलॉग स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद फाइल डिस्क में जाएंगे। फाइल डिस्क में जाने के बाद जिधर भी आप फोल्डर बना करके फोटो रखे हुए हैं फ्रेंड, जैसे हम एक्चुअली डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लोकेशन हम, और ये हमारा फोटो है। सारे फोटो को कंट्रोल प्लस ए करके सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। सारा फोटो यहाँ पे आ गया फ्रेंड। आने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये है पिक्चर लेआउट। आप पिक्चर का लेआउट कैसा रखना चाहते हैं, 1 2, सिंपली 2 वाला रखना चाहते हैं तो 2 वाला रख ले, यहाँ पे सिंपली दिखता है। और ये सब सारे को फ्रेंड आप सेलेक्ट कर ले। क्लियर, जितने भी सारे फोटोज हैं आपके सबको क्लिक कर दे, चेक बॉक्स ऑन कर ले। चलिए क्लियर फ्रेंड। उसके बाद आप यहाँ से राउंडेड, रेक्टेंगल, सिंपल फ्रेम, वाइड, जो भी आप इसमें से चूज कर ले। सो क्लियर। उसके बाद थीम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ब्राउज में जाते हैं, यहाँ पर से जे बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे जो भी आपको थीम सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको क्रिएट करना है। चलिए क्रिएट करते ही फ्रेंड आपके यहाँ पे फोटो एल्बम बन के रेडी है। चलिए यहाँ पे हम लास्ट में एक क्वार्ट्स डाल देते हैं, थैंक यू। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड, म्यूजिक डालना है। तो सो फ्रेंड आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाइए फिर से, और यहाँ पे मीडिया में ऑडियो है और ऑडियो ऑन माय पीसी को सिलेक्ट करें। जैसे ही ऑडियो ऑन माय पीसी करेंगे, इंसर्ट ऑडियो वाला स्क्रीन आएगा फ्रेंड, और आप डेस्कटॉप पे चले जाएं। ऑडियो एक फोल्डर बना के रखे हुए हैं ऑडियो, जैसे ये सॉन्ग है हमारा, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर ले। सो क्लियर। चलिए ये आ गया। सो फ्रेंड ये हमारा ऑडियो का सिंबल आ गया। ये आते ही फ्रेंड आपका क्या होगा, जैसे इसको हम बार क्लिक कर देते हैं, चलिए फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा प्लेबैक का एक मेनू आ जाएगा। और इसमें आप क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे स्टार्टेड है, इसको आप ऑन ऑटोमेटिकली कर लें और प्ले अक्रॉस स्लाइड कर दें। ये कर देने से फ्रेंड आपका क्या होगा, जो म्यूजिक होगा वो आपका हर एक स्लाइड में रन करेगा। सिंपली लूप भी डाल सकते हैं आप, और उसके बाद प्ले करके भी चेक कर ले फ्रेंड। चलिए म्यूजिक भी स्टार्ट हो गया, सिंपली इसको ऑफ कर देते हैं अभी हम। अब क्या करना है फ्रेंड आपको, अब इसका हमको फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल में अब इसको सेव कर देते हैं। फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद सेव एज कर लें। एक सेकेंड, इसको हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा हर एक स्लाइड में रन करता है कि नहीं, चलता है कि नहीं। F5 कर ले फ्रेंड। चलिए और उसके बाद इसमें एनिमेशन डाल दें, हर एक स्लाइड में एनिमेशन डाल दें, ट्रांजिशन में जाए। और ये हो गया,
चलिए पेज कवर वाला ये ज़्यादा बेटर है, हर एक स्लाइड में आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, पेज कर्व में चले जाएं। चलिए इसी तरीके से आपको हर एक स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर देना है। चलिए बहुत इजी फ्रेंड, चलिए ये बड़ा वाला डाल देते हैं। चलिए क्लियर हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ऑन माउस को हटा के आफ्टर कर दे, इसमें टाइमिंग सेट कर दे, समथिंग फोर्स अप्लाई टू ऑल कर दे फ्रेंड। चलिए सब में सेट हो गया। फोटो वगैरह में भी एनिमेशन डाल सकते हैं, एनिमेशन में जा करके जिस फोटो में आपको सिलेक्ट करना हो यहाँ से आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। सब क्लियर। अब ऐसा करते हैं इसको सेव कर देते हैं, या और सब में आप देना चाहते हैं थोड़ा सा और भी, एक दो मिनट का वीडियो लंबा होगा, बस फ्रेंड लास्ट वीडियो देख के जाएं, लास्ट तक वीडियो देख के जाएं फ्रेंड। चलिए बहुत इजी है, पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और एनिमेशन इस तरीके से आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, बहुत ईजी है फ्रेंड। फोटो सेलेक्ट करें, ऐड एनिमेशन, चलिए क्लियर। अब एक लास्ट में हम ऐड कर देते हैं, आप बाकी सब में लगा लेंगे, सो सिंपल है, इसी प्रोसेस के अनुसार आप लगा सकते हैं। चलिए क्लियर, अब क्या करना है, फाइल में जाइए फ्रेंड, सेवेज कीजिए, जिधर भी सेव करना है, ब्राउज में आप लोकेशन सेट कर ले, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपको इसका बनाना है, सो फ्रेंड यहाँ पे वीडियो दे दें, और यहाँ पे आपको ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर वीडियो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, तब जाकर के आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड चलिए क्लियर, सेव कर दे इसको। सो यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं क्रिएटिंग वीडियो डॉट WMV का